दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ऐसे तीन प्रकार के इशारे जो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आप जिस औरत के साथ बातचीत करते हो उसको आपके साथ ऐसा वाला काम करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा वाला काम का जो मतलब होता है वो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले प्रकार का जो इशारा है वो कौन सा है कि जब उस औरत के घर में कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ति नहीं होगा तो वह आपको उसके घर पर हमेशा बुलाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की उसके घर पर जब कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है तो किसी भी पुरुष को बुलाती है, तो इसका ऐसा ही मतलब होता है कि उसको ऐसा वाला काम करने की इच्छा है। हाँ दोस्तों, कुछ कुछ औरतें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती है, मैं सभी औरतों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, पर ज्यादातर केसेस में ऐसा ही देखा जाता है। और दोस्तों ये दूसरे प्रकार का इशारा है वो कौन सा है कि जब आप उसके घर पर जाओगे, जब उसके घर पर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा तो वह आपके साथ बातचीत करते समय आपको ज्यादा फिजिकल टच करेगी, आपके हाथों को हाथ लगाएगी, आपके बालों को हाथ लगाएगी, आपके गालों को हाथ लगाएगी, यानी कि दोस्तों ज्यादा आपको टच करेगी। और दोस्तों तीसरे प्रकार का जो इशारा है वो कौन सा है कि जब आप उसके घर पर जाते हो, जब उसके घर पर कोई भी नहीं होता है और वह आपके साथ बातचीत करते समय आपको टच भी करती है और लास्ट में आपके साथ डबल मीनिंग कम्युनिकेशन करती है, आपको इशारों ही इशारों में कुछ बताना चाहती है, उसके बोलने का टून कुछ और है, उसका मतलब कुछ डिफरेंट निकलता है, तो दोस्तों आप 100% गारंटी के साथ ऐसा कह सकते हो कि उसको ऐसा वाला काम करने की इच्छा है। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको तीन इशारे बताए उनको आप हमेशा ध्यान में रखो। दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।